Hey, welcome back. Today we will try to create this railing. Staircase में जो railing हम वो जो भी design करते हैं तो हम वो कैसे करेंगे? आप देखोगे यहाँ पे एक है circle का shape भी है, इसको circle में आपको रखना है तब भी, अगर हमें इसको continue करना है तो वो कैसे करेंगे? आज हम वही सीखते हैं। तो एक step ले लेते हैं, 10 inches by 3 feet, 6 inches का डबल क्लिक किया और मैंने इसकी हाइट ले ली 6 इंचेस। ट्रिपल क्लिक करेंगे और इसे करेंगे मेक कंपोनेंट क्रिएट, मूव कंट्रोल और मैंने लिया 5 स्टेप्स 5x एंटर। अब लास्ट में हमें चाहिए एक लैंडिंग, तो अगर मैं इसी को लैंडिंग में क्रिएट करूँगी तो क्या होगा, वो सब में सेम कमांड यूज़ होगी। रीज़न क्योंकि हम कॉम्पोनेंट में हैं, तो क्या करेंगे हम इसे यूनिक क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट किया, राइट साइड क्लिक किया एंड देन मेक अ यूनिक। यूनिक क्रिएट करने के बाद हम इसे जैसे मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 फीट 2 इंचेस, क्योंकि 10 इंचेस ऑलरेडी था तो 3 फीट का हमारा ये हो गया। मतलब इट जस्ट एग्जांपल, आप चेंज कर सकते हो। दो एग्जांपल क्रिएट करेंगे तो मैं इसे करती हूँ कॉपी, मूव कंट्रोल क्लिक किया और ड्रैग किया, यहाँ रख लिया। अब सेम कॉम्पोनेंट है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी यूनिक कि इसका चेंज इसमें ना आए। रेलिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये पॉइंट क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे हम टेप टूल लेंगे, शॉर्टकट की है टी, और यहाँ से भी आप ले सकते हो। यहाँ मैंने क्लिक किया, आप अंदर को कितना रखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मुझे 3 इंच चाहिए सेंटर, ठीक है। यहाँ से जो मैं स्टार्ट करूँगी, यहाँ से ये मुझे चाहिए सेंटर में, तो ये हमने सेंटर में क्रिएट किया और इधर से हमने लिया 3 इंचेस, क्लियर है। सेम अगर मैं ऊपर बात करूं, यहाँ पे मूव करेंगे 6 इंचेस 5 इंच, क्योंकि वो सेंटर है तो 10 है तो 5 5 इंच, और इधर से हम मूव करेंगे 3 इंचेस, क्लियर। और हम लाइन क्रिएट करेंगे यहाँ से 3 फीट 3 इंचेस, जो मुझे प्रॉपर हाइट चाहिए। यहाँ पे भी मुझे चाहिए 3 फीट 3 इंचेस, और दोनों लाइन को हम कर देंगे कनेक्ट एंड देन एक्सटेंड 3 फीट। होप सो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सेम चीज़ हमें अगर हम बात करें, इसी को मैं कॉपी करती हूँ क्योंकि मैंने कोई कंपोनेंट या ग्रुप नहीं बनाया। मूव कंट्रोल, इस पॉइंट से यहाँ हमने किया प्लेस, क्लियर। अब मैं अगर इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इसको राउंड शेप में मुझे कंटिन्यू करना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट करूँगी सी के साथ, रेडियस हम लेते हैं 0.75, ठीक है। यहाँ से कर्व करना है या फिर ऐसा ही शेप चाहिए, अब हमें क्या चाहिए कि मेरे को कर्व करना है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, ये लाइन मैं इरेज करती हूँ, यहाँ से एक स्मॉल आर्क ए के साथ, एंड सेम वी हैव टू डू हियर, ठीक है। आर्क डबल क्लिक कर देंगे लास्ट में जाके तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। ट्रिपल क्लिक करेंगे इस लाइन पे, ट्रिपल क्लिक, ठीक है, कि पूरी लाइन हमारी सिलेक्ट होनी चाहिए। 1x1 भी कर सकते हो और ट्रिपल भी कर सकते हो। हमारे पास एक सर्कल है अभी, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉलो मी कमांड को, क्लियर, और फिर हम क्लिक करेंगे अपने सर्कल पे। नाउ यू कैन सी ये कंटिन्यू जा रही है, ये तो हो गया। जब हमें कोई भी रेलिंग में अपना टॉप रेल या फिर अंदर में कुछ भी कंटिन्यू क्रिएट करना है, तब आप ऐसे क्रिएट करोगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो इसमें है, यहाँ से यहाँ तक है और फिर इस पॉइंट से ऊपर तक है, मतलब इसके अंदर एक स्फीयर शेप है। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक स्फीयर शेप को रखना है और इधर भी एक रखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक क्रिएट कर लेते हैं। 0.75 का एक सर्कल लिया हमने, ट्रिपल क्लिक किया, राइट साइड क्लिक किया और फिर हमने करना है इसमें एक सेंटर पॉइंट, तो ये रहा फाइंड सेंटर, कि मतलब इजीली हम लोग फाइंड कर लें कुछ भी। फिर हम सर्कल लेंगे,
और मैंने उसको एक ग्रीन एक्सिस पे सेंटर पे क्लिक किया और सेकंड पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर वी हैव टू सर्कल्स। किसी भी एक सर्कल को सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक के साथ। ठीक है, फिर हम यूज़ करेंगे फॉलो मी कमांड को और फिर सेकंड सर्कल को हम सिलेक्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी ये शेप अपने पास आ गई। इसे हम सिलेक्ट करेंगे और हम बना देंगे कंपोनेंट, क्रिएट कंपोनेंट। नाउ वी हैव अ टू ऑप्शन, या तो इसी लाइन पे जाके हम इसमें से उस पोर्शन को कट कर देंगे तब भी अपने पास आ जाएगा, अदरवाइज उस आर्क को हमने किया स्किप, इसको सिलेक्ट किया। मैंने यूज़ किया एक्सरे मोड, आप क्या कर सकते हो व्यू में जाके फेस पे जाके एक्सरे, अगर आपके पास शॉर्टकट की है देन यू कैन यूज़ अ वाई अगर आपने क्रिएट कर रखी है, नहीं तो क्या करोगे व्यू पे जाके फेस पे जाके एक्सरे। मुझे एक सेंटर मिल जाएगा, मूव कमांड मैंने यूज़ की, सेंटर पॉइंट पिक किया और इस पॉइंट पे रख दिया। ठीक है, मूव कंट्रोल कॉपी करेंगे इसको सेम सेंटर से और हम रख देंगे इसको इस पॉइंट पे। वाई प्रेस करेंगे वापस से, अदरवाइज व्यू पे जाके फेस स्टाइल पे जाके एक्सरे पे क्लिक करोगे तो वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी। ठीक है, ओ वापस से करना पड़ेगा, मूव कंट्रोल यहाँ पे वाई, क्लियर। अब नेक्स्ट, या तो हम इसे इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे और उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कमांड यूज़ कर सकते हो अगर यू हैव अ सॉलिड टूल। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे 0.75, मूव कंट्रोल ऑर्बिट यहाँ पे आके एक सर्कल क्रिएट करेंगे बट रेड एक्सिस पे, इसमें हमें अलग अलग सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम बोल सकते हो आप। इसको करते हैं हाइट, राइट साइड क्लिक किया एंड देन हाइट, और ये जो पॉइंट है इस पे भी हम करेंगे एक सर्कल क्रिएट। पॉइंट 0.75, बट इसे हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा रोटेट, सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, इसे सिलेक्ट किया राइट साइड क्लिक किया एंड देन हाइट। अब हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे, देन यहाँ यूज़ करूँगी मैं ग्रीन एक्सिस, फर्स्ट क्लिक किया फिर स्ट्रेट और हम इसे थोड़ा ऑर्बिट करेंगे कितना, जहाँ तक हमारा ये लाइन है क्लिक, अनहाइड ऑल, राइट साइड क्लिक करेंगे, व्यू पे जा एडिट पे जाके अनहाइड ऑल। ठीक है, सिलेक्ट किया। अब आप देखो ये पॉइंट यहाँ से हमने क्या किया था, 0.75 का हमने क्या किया था सर्कल, तो क्या करेंगे इसको डबल क्लिक करेंगे एंड देन मूव इट 0.75। मूव ऐसे नहीं होगा, तब हम इसे कॉपी करके मूव करना पड़ेगा 0.75 इरेज इट, सेलेक्ट किया और फॉलो मी किया और इस पर क्लिक। ठीक है, सेलेक्ट किया फॉलो मी किया और इस पे क्लिक। और सेलेक्ट फॉलो मी एंड देन वी हैव टू क्लिक हियर, अनहाइड ऑल, दिस वन इज फाइन,
ओके हमने यहाँ पे सर्कल को लाइन को थोड़ा कम करना था. ओके वी हैव ऑप्शन, तो क्या करेंगे यहाँ से पुश पुल को यूज कर लेंगे लिटल बिट एंड देन इरेज द एक्स्ट्रा लाइंस. ये आपके रेंडर में वैसे भी शो नहीं होंगी बट वी हैव टू इरेज इट. ठीक है सर्कल कैसे बनाना है नेक्स्ट. अपने पास अगर हमें इनको क्रिएट करना है सेम हम लाइन को क्रिएट करेंगे या फिर टेप टूल यूज करेंगे. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रखा हमने, मूव किया, कितना मूव करना है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैं ले रही हूँ 6 इंचेस, मूव कंट्रोल, इसी को मैं कॉपी करूँगी 9 इंचेस, मूव कंट्रोल 9 इंचेस. ठीक है और कहाँ तक चाहिए हमें 3 और ये रहा सेंटर, एक ये लाइन क्रिएट. ओके बट ये हमें लाइन चाहिए 3 फिर 3, मूव कंट्रोल एक यहाँ एंड वन वी विल नीड हियर. टेप टूल के साथ इसको हम लेंगे लिटल बिट. वी हैव टू मूव इट. आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी लाइन लगा रहे हो वो एटलीस्ट ज्वाइन हो कि हम जब लाइन लगाएं तो इजीली क्रिएट कर पाए. ये पॉइंट है, यहाँ से हमने इसको क्रिएट किया यहाँ तक. और यहाँ से हम मूव करेंगे 6, क्योंकि फर्स्ट क्या है अपना 6 है. सेम अगर राउंड करना है देन वी हैव टू यूज आर्क. सर्कल ड्रॉ करेंगे हम ऑन रेड एक्सिस, यहाँ पे हम यूज करते हैं 0.5. डबल क्लिक किया, अब हम इसे रोटेट करेंगे ग्रीन एक्सिस पे फर्स्ट सेकेंड और इसके अराउंड. डबल क्लिक करेंगे कि हमारी लाइन क्रिएट हो जाए और फिर फॉलो मी टूल के साथ यहाँ पे. ठीक है डबल क्लिक करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे, वी हैव टू मेक अ कंपोनेंट. कंपोनेंट क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि हमें दो और चाहिए. मूव कंट्रोल 9 इंचेस, कंट्रोल 18 इंचेस. आई डिड समथिंग, मूव कंट्रोल 9 इंचेस 2x. डन. यहाँ पे भी हमें चाहिए सेम चीज सर्कल बट अभी हमें चाहिए 0.75 का. सिलेक्ट किया फॉलो मी टूल के साथ, इस पर क्लिक किया, ट्रिपल क्लिक करेंगे. अब देखो यहाँ पे ये क्रिएट नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे. सर्कल 0.75, डबल क्लिक, मूव कंट्रोल, एक ही बारी में सब नहीं होगा, वी हैव टू डू 1 by 1. पर हाँ एक चीज़ कर सकते हो, इसमें कंपोनेंट बना के आप अलग अलग क्रिएट कर सकते हो. इट्स अप टू यू कि कैसे करना है. होप सो इट्स क्लियर. बट हाँ वी हैव टू मूव इट, ये थोड़ा सा बाहर है. यस
मूव किया हमने, दिस लाइन, नाउ यू कैन सी. होप सो इट्स क्लियर, बट फिर भी अगर डाउट रहेगा देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.